नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बहुत खास टॉपिक पे, और आप लोगों को भी पता होगा कि बहुत भाई जो ऐसे हैं जो इज़राइल से जा करके इतने परेशानी और इतने पैसे लगाने के बाद भी इज़राइल जा करके वापस आ गए, और बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत लोगों को ऐसा है जो कंपनी वापस कर रही है। अभी फिलहाल कई ठो जो रजिस्टर्ड ऑफिस है एशिया पावर डायनेमिक्स से भी बहुत भाई ऐसे हैं जो गए हुए थे और वापस आ रहे हैं, बहुत लोगों रिपोर्ट कर रही है। और वैसे किन किन माध्यमों से रिपोर्ट कर रही है, और आप लोगों में भी अगर वो परेशानियां होती है तो आप लोग भी इतने परेशानी के बाद भी वहाँ जाने के बाद भी वापस आ सकते हैं, रिपोर्ट हो सकते हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या काम आप लोग जानते हैं अगर करना जानते हैं और रहना जानते हैं, तरीका है आपके पास तो वहाँ पर आप आसानी से रह सकते हैं। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है, यानी कि बहुत से ऐसे मेरे भाइयों का मन में ये डाउट है कि क्या क्या काम सीख करके जाएं तो वहाँ पे ठीक रहेगा और वहाँ पे हम काम कर सकते हैं और आसानी रहेगा वहाँ पे रहने के लिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊँ कि अगर ये आप चाहते हैं, अगर ये आप सोच रहे हैं कि हम एक काम कोई काम जानते हैं, और जाहिर सी बात है कि कोई भी एक बंदा है, कोई भी एक मेरे भाई हैं, वो एक से दो काम जानते होंगे, उससे ज़्यादा काम उनको पता नहीं होगा। जैसे कि सिविल में हर एक काम अगर वो कराने के लिए चाहें तो नहीं करा सकते हैं, अपने यहाँ के आदमी नहीं जानते हैं, और जाहिर सी बात है आप लोगों को पता होगा। तो कैसे वहाँ पे काम करेंगे, कैसे आप रहेंगे, कैसे करना चाहेंगे, देखिए आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि मैं कोई एक काम जानता हूँ, जैसे मान के चलिए आप स्टील फिटर हैं, वेल्डिंग हैं या कारपेंटर हैं, तो आप सोच रहे हैं कि मैं एक काम जानता हूँ, मैं तो रह सकूँगा, और आप ये सोच करके अपने आप को निफिक्र समझ रहे हैं, तो ये गलत बात है। ये चीज़ आपको नहीं रखना चाहिए, और वही लोग वहाँ से डिपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, वही लोग जिनको काम एक मालूम है और दूसरा काम के बारे में वो जानते ही नहीं हैं, तो उन्हीं लोगों के बारे में वीडियोज़ में बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग के माध्यम से ज़रूर आते रहेगा, NIDC के माध्यम से भी आता रहेगा, जो भी भाई जिस माध्यम से भी आएंगे जाएंगे एशिया पावर से या जो भी ऑफिस से, जो भी खबर रहेंगी आप लोग को मिलता है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बताऊं, जैसे मान के चलिए आप एक सेटरिंग कारपेंटर हैं, अच्छे बढ़िया, ठीक है ना, या स्टील फिटर हैं, या आप पेंटिंग हैं, या आप इलेक्ट्रिकल हैं, कोई भी एक काम जानते हैं, आप लोग हथौड़ी चलाना जानते होंगे, मीटर देखना जानते होंगे, जो मीटर आप सेटरिंग कारपेंटर में देख रहे हैं वही मीटर आप स्टील फिटर में भी देख रहे हैं, वही मीटर आप इलेक्ट्रिकल में भी देख रहे हैं, ठीक है, तो काम तो थोड़ा बहुत चेंजेस है लेकिन बराबर में है, यानी कि मीटर देखना, हथौड़ी चलाना हर एक काम में है। तो एक अनुभव होना चाहिए आपको कि हम दूसरे काम को भी कम से कम आधा कर लें, और स्पीड से कर लें, और मेहनत से कर लें। जो भी चीज़ें हैं, जैसे मान के चलिए आप एक सेटरिंग कारपेंटर हैं, तो मान के चलिए अगर आपको स्टील में डाला गया तो आप कटिंग कर सकते हैं, जैसे एक मशीन चलाने का और कोई भी काम करने का एक हफ्ता हैबिट अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत है। जैसे मान के चलिए मैं खुद किया हूँ तो हमारे पास एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बोल रहा हूँ, ठीक है, जो भी मैंने, हम लोगों ने भी बहुत दिन पहले गया था जब, तो हम लोगों को कोई एक काम पता था, ठीक है, फिनिशिंग कारपेंटर या कोई एक ही काम, ठीक है, तो सेटरिंग कारपेंटर में भी आदमी काम करता था, उसके बाद से स्टील फिटर, उसके बाद से इलेक्ट्रिकल, उसके बाद से प्लम्बिंग, सभी कामों को आदमी ने जो है देखने की कोशिश की, और सभी कामों को हम लोगों ने सीखने की कोशिश की और सीखा भी। इसी प्रकार से आप लोग भी कोशिश करिए कि आपको थोड़ा बहुत हर एक काम पता हो, अगर पता नहीं है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे हर एक काम को आपको बोलने जाएगा करने के लिए, अगर आप नहीं करते हैं, किसी वजह से आप तकलीफ में रहते हैं, या फास्ट नहीं हैं, या आप बहुत सुस्त हैं, स्लो हैं, तो आपके ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, डिपोर्ट हो सकते हैं, ठीक है, यही चीज़ वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। अभी एशिया पावर से और बहुत सारे ऑफिस से जो भी भाई गए हैं वहाँ से डिपोर्ट हो रहे हैं, और यही कारण है, ठीक है। दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज़, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी भाई कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें टाइम लेकर के अप्लाई करना होगा, ठीक है, कहीं से भी आपके वीज़ा आने के लिए कम से कम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लग सकते हैं, तो आपके पास टाइम होना चाहिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ है थी। आप लोग कभी भी ये सोचिए कि मेरा वीज़ा कम से कम 3 महीने में आएगा,
ये सोच के वीज़ा अप्लाई कीजिए कहीं पर भी, ठीक है। आप लोग अप्लाई करने के लिए एशिया पावर से है, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, केरला, यहाँ से आप लोग अप्लाई अपना कर सकते हैं आसानी से। अगली जो टॉपिक है दोस्तों वो ये है कि आप लोग घंटे के हिसाब से वहाँ पे काम करेंगे और सप्लाई कंपनी वहाँ पे आप लोगों को मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। वहीं पे बहुत सारी कंपनियों में चाइनीज कंपनी है, वहाँ पे काफ़ी कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग चल रहे हैं, मिल रहे हैं देखने को, ठीक है। वहाँ पे आप लोग को डटे रहना है, जब तक आप लोग डटे रहेंगे वो लोग कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप लोग डर रहे हैं किसी बारे में, आप लोग वहाँ पे भयभीत हो रहे हैं, काम से पीछे भाग रहे हैं, तो वो लोग जरूर आपको पीछे पड़े रहेंगे। दूसरी चीज़ है कि अगर आप लोग वहाँ पे कभी भी सोच रहे हैं कि हम कंपनी चेंज कर दें, तो आप लोग को 3 महीने का टाइमिंग मिलता है, ठीक है। वहाँ का ऐसा रूल्स है, इसराइल का ऐसा रूल्स है कि आप 3 महीने काम करेंगे, 3 महीने के बाद ही आप कंपनी से इनओसी लेकर के ही कहीं दूसरी कंपनी ज्वाइनिंग करेंगे, ठीक है। एनओसी जो कि हर जगह लागू है, जैसे गल्फ में भी है वैसे वहाँ पर भी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। वहाँ कंपनी से लिया जाता है जबकि हमको एनओसी चाहिए और हम कोई और कंपनी ज्वाइनिंग करना है, इस कंपनी में हमें नहीं रहना, तो जाहिर सी बात है कोई चाइनीज कंपनी तो आपको एनओसी नहीं देगी और ना कहीं आपको कहीं काम करने देगी, ना ही कहीं कोई आपको ऐसे लीगल तरीके से नहीं कुछ करने देगी, ठीक है। तो आपको वहाँ पे अगर जाते हैं, वहाँ पे अगर आप काम करते हैं, तो आपको लीगल मेहनत करते रहना है, मेहनत से भागना नहीं है। मेहनत से भागेंगे आप लोगों को दबाव बनाए रहेंगे और इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी जो भी एनएडीसी के लिए वेट कर रहे हैं और या जो भी इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं, जो भी मेरे भाई, तो उनसे मैं बात करूँ या उनसे मैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँ कि आप लोग जो भी भाई एनएडीसी के माध्यम से वेट कर रहे हैं तो कम पैसे में आपका काम होगा, लेकिन उसके पहले आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस आप जब तक हैं तब तक आप दिल्ली मुंबई कहीं जा करके हर एक काम करने की कोशिश करें, देखें कि जिस बिल्डिंग में देखें कि किस काम में हम जाएं या किस लाइन पे हम जाएं कि हमें हर काम मिले और हर काम हम थोड़ा बहुत सीखें और देखें, ठीक है। देखने से ज़्यादा आप सीखेंगे जब काम करेंगे तब आपको पता होगा और आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थी कुछ टॉपिक मेरे दिमाग में, मैंने सोचा चलो आपसे बताया जाए। आप लोग वीडियो को देख करके काम की चीज़ों को समझने की कोशिश करें, जो आपके काम, जैसे मान के चलिए वीडियो देख रहे हैं, आपके काम का क्या चीज़ है इसमें बताया गया है, उस चीज़ को आप लोग देखें, बाकी चीज़ को छोड़ दीजिए, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि आपने ये क्यों बताया, वो क्यों बताया, ये क्यों किया। आपका काम का अगर जो चीज़ें हैं उसको आप लोग लीजिए, जो काम का आपका नहीं है वो चीज़ को डिपोर्ट कीजिए, वो चीज़ को आप लोग हटाइए, ठीक है। काम की चीज़ों को देखिए, काम की चीज़ के बारे में सोचिए, काम के बारे में ही करिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ जाने सीखें, उनके लाइक जो बातें होगी वो सीखेंगे जानेंगे। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।